भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, भारतीय डाक की IPPB के साथ। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट अकाउंट में कैसे रुपए ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में मनी ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हम यहां पर आपको दो तरीक़ों से मनी ऐड करना सिखाएंगे, एक तो SBI के माध्यम से और दूसरा आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में रुपए ऐड करना। पहले हम यहां पर जाकर अपना जो IPPB का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें जाकर देखते हैं और उसके माध्यम से कैसे रुपए ऐड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, हम अपने इस अकाउंट में आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कहीं पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर सीधे जो मनी है उसको इस अकाउंट में ऐड कर सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख रहे हैं, हम पासबुक में पहुँच चुके हैं लेकिन यहाँ पर कहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम इस अकाउंट में रुपए ऐड कर सकें, ATM के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं कि यहाँ पर भी कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है और ये जो आगे आपको आगे तीर के चिन्ह दिख रहे हैं यहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सेंड मनी में देखते हैं कि यदि ऑप्शन यदि यहाँ पर मिल जाए तो यहाँ पर भी हमें नहीं मिल रहा है और QR कोड वगैरह भी हमारे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ से हम चलते हैं बाहर और हम आपको ले चलते हैं, मैं SBI का Anywhere एप्लीकेशन यूज करता हूँ, तो इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसके माध्यम से रुपए ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपने SBI Anywhere पर्सनल में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे मनी ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे नीचे आप देख रहे हैं केरला डोनेशन क्विक ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र के माध्यम से हम मनी ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर सेंड मनी में हमने क्लिक किया है और हमने यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया और पे यूजिंग अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर नाम डाल देंगे और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर डाल देंगे IFSC कोड, तो ये फ्रेंड्स हमने IFSC कोड भी डाल दिया है और यहाँ पर जितने रुपए आपको ट्रांसफ़र करना है उतने हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 100 रुपये, तो 100 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसके पश्चात आगे यहाँ पर रिमार्क के रूप में आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं और आगे ओके कर दिया। यहाँ पर कर देंगे हम सबमिट, तो ये हमने सबमिट कर दिया है और यहाँ पर फाइनल आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और अब आपका आएगा OTP और जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालते हैं आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स सबमिट हमने कर दिया है, तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विक ट्रांसफ़र 400 ऑन 4 सितंबर 2018 इज़ सक्सेसफुल। ये फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर हमारे 110 रुपये हो चुके हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया SBI के माध्यम से आप कैसे इसमें रुपया ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपको पेटीएम के माध्यम से आप रुपया इसमें कैसे ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने पेटीएम अपना ओपन कर लिया है और यहाँ से हम मनी ट्रांसफ़र में हमने क्लिक किया है और यहाँ पर हम अकाउंट डिटेल इंटर बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। ये हम डाल दिया है और यहाँ पर हमें डाल देना है IFSC कोड।
ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डाल दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और अकाउंट होल्डर्स नेम यहाँ पर डाल देंगे। ये भी हमने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर हमें कर देना है प्रोसीड में क्लिक री एंटर बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर दोबारा से हम अकाउंट नंबर डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर दोबारा से बैंक अकाउंट डाल दिया है, और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 10 रुपये, और यहाँ पर कर दिया हमने कन्फर्म मनी ट्रांसफ़र। और ये हम यहाँ पर डाल देंगे अपना जो UPI पिन है उसको डाल देंगे। ये फ्रेंड्स पिन है उसको हम डाल दिया है, और यहाँ पर कर देते हैं हम ओके, और देखते हैं कि इसके माध्यम से रुपये ट्रांसफ़र हो पाता है या नहीं। यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है, और हालांकि UPI के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और इस तरह से फ्रेंड्स आप अकाउंट डिटेल डालकर UPI के माध्यम से भी रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन SMS भी प्राप्त हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स जाके देख लेते हैं हमारा अकाउंट में रुपया आया है या नहीं। ये फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर हमारा 120 रुपये हो चुका है। और तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है, और बहुत ही आसान है ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हमने पहले 10 रुपये किया था, फिर 100 रुपये किया, और फिर 10 रुपये हमने पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से किया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपका बैंक आपके द्वार।